न्यूज 24 हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को रोहित ठाकुर का नमस्कार। इस वक्त की जो ये आप ताजा तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है मतियाना। हमने पिछले एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 2-3 दिन हिमाचल प्रदेश में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी, जितने भी मैदानी क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश होनी है। इसी के तहत आज एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख बदला है और सुबह से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस वक्त भी काफ़ी तेज़ बर्फबारी का जो दौर है वो चला हुआ है और ज़मीन की सतह पर इस वक्त 3 से 4 इंच तक की बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी अभी भी लगातार होती ही जा रही है। अगर बात करी जाए सड़कों की तो सड़कें इस वक्त फिसलन भरी बनी हुई है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि नारकंडा में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ये नारकंडा की है, जहां पर हल्की बर्फबारी के कारण बहुत सारे वाहन आपस में टकराए हैं। और जैसा कि हम लोग आपको हर बार बताते रहते हैं कि जो ये बर्फबारी होती है इस पर गाड़ियां चलाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ट्रैक्शन नहीं बन पाती है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये नारकंडा और फागू की है, जहां पर लगातार गाड़ियां स्किड हो रही है और एक दूसरे से जाकर टकरा रही है। तो ऐसे में हमारा आपसे अनुरोध है कि घर से ना निकले। हालांकि अभी जो ये NH05 है वो यातायात के लिए प्रशासन के द्वारा तो बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो अपने रिस्क पर गाड़ियां चलाते हैं तो उनका अंजाम यही होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसे मौसम में आप घर से बाहर ना निकले क्योंकि ऐसे में लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में अभी देखा। अगर बात करी जाए बर्फबारी की तो बर्फबारी लगातार होती ही जा रही है, अभी भी बर्फबारी हो रही है। ये जो बर्फबारी है कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है क्योंकि ये जो समय है अभी काफी अनुकूल समय बताया जाता है बर्फबारी और बारिश के लिहाज से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के विजुअल्स पर लगातार देख रहे हो कि काफी अधिक संख्या में बर्फबारी हो रही है। अगर आप लोग भी कहीं जाने का सोच रहे हो तो ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहे क्योंकि सड़कें फिसलन भरी हुई बनी हुई है, जैसा कि आपने इसी वीडियो के मध्य में देखा कि किस तरह से गाड़ियां फिसल कर एक दूसरे से टकरा रही है। इससे जहां पर आपके माल का नुकसान होता है कहीं ना कहीं आपकी जान का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में रिस्क ना ले और घर पर ही बने रहे। अगर अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप अपने घर पे इस मौसम को एंजॉय करिए क्योंकि ऐसा जो मौसम होता है वो काफ़ी देखने में काफ़ी सुहावना लगता है और अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखते हो ऐसे मौसम की तो वो काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि जो ये 3 से 4 इंच तक की बर्फबारी होती है इसमें गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्किड करती है क्योंकि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं वो ट्रैक्शंस नहीं बना पाते हैं और आप ना चाहते हुए भी गाड़ियां फिसल जाती है क्योंकि ऐसी वेदर कंडीशन में ड्राइविंग करना सेफ नहीं माना जाता है क्योंकि अगर आप ड्राइविंग करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए घातक ही सिद्ध होगा। इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आप मतियाना से देख रहे हो जहां पर 4 से 5 इंच तक की बर्फबारी जमा हो चुकी है। तो बने रहे न्यूज 24 हिमाचल के साथ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य खबर को लेकर, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।